सुशांत के मामले को जिस प्रकार से ये पीआर एजेंसियां दबाने की कोशिश कर रही है और पीआर एजेंसियां हावी होने की कोशिश कर रही है, तो सुशांत के फैन से मैं ये अपील करूंगा कि इन पीआर एजेंसियों के खिलाफ आप लोग मजबूती से डटे रहे। क्योंकि कल आपने देखा होगा कि कोई एक कोलकाता की मैगजीन है, शायद मैं उसका नाम में भी पूरा कन्फर्म नहीं है, कि कोलकाता के मैगजीन्स वो रिया को जगह दे रही है कवर पेज पे। कैसे कैसे लोग हैं, कितने बड़े हत्या हुआ, एक उभरते हुए कलाकार के साथ अन्याय हुआ, और उसके उसके जो आरोपी हैं जो ऑलरेडी रह चुकी है जेल में करीब करीब 1 महीना 20 दिन के करीब वो जेल में रह चुकी है, और उसको आज ये बताया जा रहा है, कोई मैगजीन उसको प्रमोट कर रही है, तो ये चीज़ें बिल्कुल ही एक शर्मनाक है। और उस मैगजीन को ये सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, जिसके ऊपर आरोप है उसे आप प्रमोट कर रहे हो, उसे आप भेज रहे हो, उसको क्या कह के दिखाना चाहते हो? आपको तो इस जब तक इस केस का कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक उस मैगजीन को ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे इस तरीके से आरोपी को प्रमोट ना करें। आरोपी रिया आरोपी है, अभी सिर्फ उसको बेल मिला है, आरोप मुक्त नहीं हुई है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और सुशांत के जो फैंस हैं उनको मैं ये अपील करूँगा, मैं अभी लगातार बिहार के गांवों में हूँ, बिहार के गांव का दौरा कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना काम, मेरा और भी जो काम है वो कर रहा हूँ, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुशांत के जो फैंस हैं आप लोग डटे रहिए मजबूती के साथ, आप कभी भी ये ना सोचें कि कोई आपके साथ नहीं है। मैं जहाँ भी रहूँगा, देश के किसी भी कोने में रहूँगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, क्योंकि अभी कुछ ऐसे पर्सनल कुछ काम है जिसके कारण से मुझे बिहार आना पड़ा है, और मुझे चुनाव में भी मेरी सहभागिता है बिहार के चुनाव में, तो जिसके कारण से मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना अपनी लड़ाई में यहाँ भी लगा हुआ हूँ। लेकिन जल्दी ही, जैसे कि हमारा पहले से तय है, 8 तारीख को हम हैदराबाद में प्रोटेस्ट करेंगे, हैदराबाद के लोगों के साथ बात करेंगे, तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम हैं, आपके साथ पूरा देश है, और न्याय की इस लड़ाई को रुकने नहीं देना है, हमें न्याय लेकर के रहना है, और हम जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक शांत मत बैठिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपका भी साथ मुझे चाहिए, मेरा भी साथ आपको चाहिए, मिल करके हम लड़ेंगे और मिल करके न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।